साहब हमारा है, हमारा है, हमारा है। आज साइकिल यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य है कि आज कांशीराम साहब का पर्यावरण दिवस है और उनके पर्यावरण दिवस पर भीम आर्मी सहजा समाज पार्टी के लोगों ने साइकिल यात्रा हर गांव-गांव तक करेगी पूरे जिला में, क्योंकि जो मानवर कांशीराम साहब ने जिस तरीके से पैदल चलकर साइकिल से चलकर पूरी देश में बहुजन समाज को जगाकर राज देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में चार चार बार अपना मुख्यमंत्री बनाए और लास्ट सपना था कि इस देश के गद्दी पर किसी दलित समाज को बैठा कर रहेंगे, लेकिन अफसोस ये रहा कि उनके जाने के बाद जो कारवा था आगे जाने के बदलते ये पीछे की तरह जा रहा है। अब इस वही उसी कारवा को भीम आर्मी सहजा समाज पार्टी के लोगों ने साइकिल से चलकर एक एक गांव तक जाएगी और जाकर अपने बहुजन समाज को जगा के और सत्ता के जो समंतवादी लोग इस सत्ता पर बैठे उसको हटाकर दलित समाज को इस सत्ता पर बैठाने के काम करेगी। क्या लग रहा है आपको कि बहुजन समाज पार्टी जो है कांशीराम के कारवा को आगे नहीं ले जा रही है? आप देख लीजिए कि जिस तरीके से कांशीराम साहब के जाने के बाद सबको दिखने को मिल रहा है, आपको भी दिखने को मिल रहा है कि कांशीराम साहब के जाने के बाद जो कारवा था कहाँ था और कितना हमारे विधायक थे, कितना मंत्री थे, कितना मेले थे, आज कितना है आप देख लीजिए। तो इसके मतलब जाहिर बात यही होता है कि ये जो कारवा था वह साफ पीछे की तरफ चला आया है, उसी कारवा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। साइकिल यात्रा निकाले हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि ये कांशीराम साहब ने पहले बताया था कि हमारा बहुजन समाज निर्धन समाज है और हम लोग के पास उतना पूंजी पाया नहीं है कि हमने हेलीकॉप्टर से चलेंगे या स्कॉर्पियो से चलकर अपना समाज के जाएंगे, लेकिन अपने समाज को एकजुट करने के लिए सत्ता में लाने के लिए पैदल भी चलना पड़ा तो पैदल चलेंगे और साइकिल से जाना पड़ेगा। साइकिल से इसलिए हम जा रहे हैं कि साइकिल से चलकर अपने समाज को जगाए और एकजुट करें और सत्ता के तरफ लेकर जाए। क्या परिचय होगा? मेरा नाम सुरेश आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। साइकिल यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है? देखिए सर, आपको पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मानवर साहब का 17वां परिणाम दिवस के शुभ अवसर पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिला कमेटी बक्सर के द्वारा आज साइकिल मार्च पूरा बक्सर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है और ये आज ही से शुभारंभ हुआ है और बक्सर के हर प्रखंड और हर गांव में हम लोग साइकिल मार्च करने का काम करेंगे। क्या परिचय होगा? जी, बबलू आजाद, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी बक्सर। आज साइकिल यात्रा निकाले आप लोग, क्या उद्देश्य है? देश यही है कि जो कांशीराम जी ने वो अपने ज़माने में कम संसाधन के तहत और जनता को संगठित करने के लिए, बहुजन समाज को संगठित करने के लिए एक माध्यम साइकिल को बनाया और उस मेहनत के बदौलत बहुजन समाज को संगठित करके और उत्तर प्रदेश में बहुजनों का राज कायम करने का काम किए और वहां पे दलित मुख्यमंत्री लगभग 4 बार उन्होंने बनाने का काम किया और हम लोग उनके सपने को, चूँकि एक चीज़ है कि कांशीराम जी के इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के बाद वहीं बहुजन समाज पार्टी थी, वो अपने सिद्धांत से भटकने लगी और जन संघर्ष जन आंदोलन कम पड़ता दिखाई देने लगा, तब जाकर बहुजन समाज से ही जन्मे चंद्रशेखर जी ने एक नया आगाज करने का काम किया और पुनः कांशीराम जी के रास्ते पर चलकर बहुजन समाज को संगठित करने के लिए संघर्षरत हैं। जहाँ भी समाज में जुल्म अत्याचार शोषण होता है वहाँ पे आंदोलन करते हैं और आंदोलन के माध्यम से जाने जाते हैं। तो बाबा साहब और कांशीराम के सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों ने आज जो है उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर को भीम आर्मी जिला कमेटी के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि हम लोग के पास आज भी हमारे समाज के लोग गरीब हैं, साधन विहीन हैं, तो हमारा जो भी साधन है हम उसके माध्यम से जनता को संगठित करने का काम करेंगे और उसके अंदर जुझारूपन और संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देंगे कि वो लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने का काम करेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। क्या आपको नहीं लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो बात है, आप भली भांति जानते हैं कि जब कांशीराम जी थे तब नारा दिए थे बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, लेकिन आप
देख लीजिएगा अपडेट में कि कांशीराम के जाने के बाद वही नारा जो है कन्वर्ट हो गया और उसको बदल कर बहुजन सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की बात की जाने लगी है। मूलभूत जो जो सिद्धांत था 1585 का जो संघर्ष था उसको इन लोगों ने अब जो है सर्वजन कर दिया। तो कहने का मतलब है कांशीराम की जो मूलभूत सिद्धांत था उसमें ये काट छाट करने का काम किया और समाज को दिग्भ्रमित का काम किया और यही नहीं सत्ता सुख भोगने के लिए इन लोगों ने माध्यम बनाया। कांशीराम जो सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि बहुजन समाज को जगाकर और बहुजन क्रांति का आगाज किए थे, बहुजन समाज में परिवर्तन लाने का काम किए थे, लेकिन उस काम को सत्ता के तहत अब वही काम रह गया कि सत्ता प्राप्त कर लें, जनता जाए भाड़ में, जनता की क्या समस्या है, जुल्म अत्याचार शोषण हो रहा है उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो आप भी देख सकते हैं कि क्या स्थिति है वर्तमान में। भीम आर्मी जिला मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र कुमार। आज साइकिल यात्रा निकाले हैं, क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा निकालने का? आज देखिए कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। साहब पहले साइकिल से चलते थे और उन्होंने साइकिल यात्रा को बहुत ही कठिन बताया था और हेलीकॉप्टर से जो यात्रा करते थे उसको बहुत सरल बताया था। तो हमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, हमें कहना यही है कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन जो हम लोगों का ये सामाजिक जो कार्य है ये रुकना नहीं चाहिए, मतलब कि सामाजिक परिवर्तन रुकना नहीं चाहिए, बस यही कहेंगे। बाकी आगे साहब का मान्यवर साहब का जो सपना है उसको साकार करने के उद्देश्य से अपना लक्ष्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद। देखिए सर, सबसे पहले जो मानवर कांशीराम साहब सपना देखे थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब सपना देखे थे, उस सपना का हम लोग का पूरा करना है। हम लोग संघर्ष वाले लड़के हैं, हम लोग का संघर्ष करना है। आज पूरे साइकिल यात्रा से पूरे अपने समाज को, पूरे बहुजन समाज को हम लोग एकजुट करके हम लोग रहेंगे। अपना जो सत्ता का इति है उसको अपना हम लोग फिर से नीला पूरे भारत में लहराएंगे। इसी के बात कर रहे हैं करने के लिए, इसी में बहुजन समाज पार्टी भी है। देखिए बाबा साहेब को सब बहुजन समाज पार्टी तो है, मान लीजिए हर एक पार्टी का अलग अलग इति है। जो ऐसा है मान लीजिए जो बाबा साहेब मानवर कांशीराम साहब सपना देखे थे वो अभी लोग बहुजन समाज पार्टी पूरा नहीं की अधूरा करी है, बस यही मतलब हमको इति है। इसको पूरा करेगा तो ये मेरे आज़ाद समाज पार्टी पूरे बहुजन समाजों का लेकर अपना सत्ता के हासिल करेगा। सही बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी कहाँ नाराज है सर, सपना पूरा होगा सर, बस खास समय आ जाइए, अपना बहुजन समाजों का जोड़ना है, बस यही बात है सर। अरे बहुजन समाज का लोग जहिया जान लेंगे वो एकदम आएंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन आज़ाद पड़ेगा सर।